सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? तुम सभी का उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग ठीक ठाक होगे। यार वैसे तुम लोगों ने ना हट कर दी है इस बार तो। वीडियोस तुम लोग देखते हो, कमेंट्स तुम लोग करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। ये तो हट है वैसे यार, एक सब्सक्राइब करने का तुम लोगों को क्या जा रहा है? खैर अभी जाओ, इतनी बेमानी ना करो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पे ऑल पे प्रेस कर दो। बाकी यार चेक करो, हमारे शोरूम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। खैर वो देखो जरा, फ्रैंकलिन भाई खड़े हुए बिल्कुल नमूना लग रहे हैं यार। वैसे टैबू पता नहीं कौन सा नमूना लेकर आ गए अपने साथ। पहले इनको देख कर ना मुझे गुड़गुड़ी सी होने लग जाती है। पहले ये फीलिंग सिर्फ शमी भाई को देख कर आती थी, अब इन्हें भी छेड़ने का दिल करता है। खैर आओ जरा इन्हें हल्का फुल्का सा तंग करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना पापा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हल्का फुल्का तो चलता है। और फ्रैंकलिन भाई इतने अंधेरे में काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं, खैर तो है सब कुछ? अरे नहीं नहीं यार जमीन, वो ना मुझे कुछ अर्जेंट काम है, वो निपटा के यार फिर मैं जरा निकलूंगा मायरा को आइसक्रीम खिलाने। ना भाई अच्छा फ्रैंकलिन चाचू, मायरा आप आइसक्रीम खाएंगी? हम तो कुछ लगते ही नहीं है ना आपके। सही है सही है। हाँ, लगते है ना फ्रैंकलिन चाचू साहब, कल वाला सीन भूल गए? अरे यार फ्रैंकलिन भाई, आप तो बुरा ही मान गए यार। यकीन माने मैं पूरा दिन अपने चाचू को तंग करता रहता हूँ, लेकिन मजाल है वो जरा सा भी बुरा माने यार। सही कहते हैं, अपने चाचू ना अपने चाचू होते हैं। अरे नहीं नहीं यार, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तू भी वैसे अपना भाई है, चल तू भी चल। चलो यार अभी ने मुझे तैबू ने बुलाया था, चलो आज जाके देखते हैं। वैसे आज जो अपना कंस्ट्रक्शन का जो काम है यार, बड़ा फिट हो गया है जी। तैबू आपने बुलाया था? ओए माइकल पुत्र गल सुन, वो नमकीन और मिसकीन नु बुला ली, वो एग्रीमेंट दे साइन करवाना है। कौन अपडेट है? ओ शिपमेंट आ गई है, वो किसी ने भेज के मंगवा ली। अरे तायबू आपने शिपमेंट मंगवा ली? चले मैं काम का तो किसी को भेज के ना मंगवा लेता हूँ। ओ हाँ हाँ पुत्र, वो छेती करो छेती, वो एयरपोर्ट में पाई है, वो किसी ने भेज के छेती मंगवा ली। हाँ तायबू अभी मैं किसी को भेज देता हूँ, और अभी ना नमकीन भाई मस्कीन भाई को भी कॉल कर लेता हूँ कि आ जाए वो। चले ठीक है तायबू, मैं इन लोगों को भेज दूंगा, ये लोग बाहर ही खड़े हुए थे। वो देखो जरा फिर फ्रैंकलिन के साथ लगा हुआ है आजकल, इसको पता नहीं जासूसी का क्या बुखार चढ़ा हुआ है। यार वैसे फ्रैंकलिन भाई, सोच रहा आपके साथ ना नॉर्थ एंड का एक चक्कर लगा लूं, देखता हूँ आपकी वहां भी क्या मशरूफियात है। वो चुपका 007 अपनी औकात में रहे। जिमी क्या समझाया था मैंने तुम्हें कल? नहीं आना ना पास तुम्हें? अरे पापा यार चल करें आप। जिमी तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। है फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें कह रहा था कि यार वो शिपमेंट आ गई है, एयरपोर्ट से पिक कर लूँ। ओ माइकल तुम बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल मैं करता हूँ कुछ। ठीक है फिर तुम देख लो, मैं ना ज़रा वो नमकीन मस्कीन भाई को कॉल कर लूँ। और यार वो जो मेरी लैंड क्रूज़र है ना, वो भी मैं पूछ लूँगा नमकीन भाई मस्कीन भाई से, और ये सिविक तो आज चले जाएगी। यार सही से काम करो आप लोग, ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे? आप इतने सुस्त होके काम कर रहे हो, एक्टिव होके काम करो। आप लोग क्या नाश्ता करके नहीं आए थे? सर आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे क्या? अगर कर रहे हैं तो बता दें, हम उनके सामने आपकी थोड़ी तारीफ भी कर देंगे, क्योंकि ना आपकी फीलिंग ज्यादा लग रहे हैं। आप अभी का गर्मी में परेशान हो रहे हैं। आप सर अंदर जाए चिल करें, हम अपना काम कर रहे हैं, उन्हें बुलाएं, हम उनके सामने आपकी अच्छी खासी तारीफ कर देंगे। एक बात को बार बार रिपीट नहीं करे अच्छा नहीं लग रहा सर। नहीं नहीं भाई मैं किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा, आप अपना काम करें। अजीब है यार, यहाँ पे तो एक से बढ़ के एक फंटर है। वो देखो यार फ्रैंकलिन भाई और वो जिमी का बच्चा, ज़रा मैं भी जाके देखूँ सीन क्या है। वैसे फ्रैंकलिन भाई इतने मुस्कुरा मुस्कुरा के किसको रिप्लाई कर रहे हैं आप? ओ भाई ये देख समी को रिप्लाई कर रहा हूँ, जासूस कहीं का। अरे फ्रैंकलिन भाई इसकी तो आदत है मजाक करने की, आप गुस्सा मत हो। वैसे जैन मुझे ना तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी यार, वो है क्या है ना कि शिपमेंट आ चुकी है, तो मुझे यार कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, तो तुम एक काम करो शिपमेंट ले आओ, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी। ना भाई चले ठीक हो गया फ्रैंकलिन भाई, मैं ले आता हूँ शिपमेंट। रुके यार चाचू मैं भी आ रहा हूँ। चले फ्रैंकलिन भाई फिर मैं भी जा रहा हूँ चाचू के साथ, ठीक है ना? फिर होती है शाम को मुलाकात। हाँ हाँ दफा हो जा 007, और खबरदार जो तूने मेरी जासूसी की हो। जिमी जल्दी आ जाओ, जैन तुम्हें बुला रहा है। हाँ हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ फ्रैंकलिन भाई। यार वैसे जो है ना, मुझे काफ़ी होशियार रहना होगा इनके साथ, मुझे ना लग रहा है ये सही इंसान नहीं है। एक तो ना पापा है ना मेरे इतने बेवकूफ़, हर किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। मेरा दिल कह रहा है कि फ्रैंकलिन भाई ना गलत इरादे से आए।
अबे जिमी जल्दी आ जा। हाँ हाँ चाचू आ रहा हूँ, थोड़ा वेट भी करें। उरुष क्या हाथ में लग गई, अभी से ही एटीट्यूड दिखा रहे। अबे जिमी हाथ दे वैसे। अस्सलाम वालेकुम यार, की हाल है तुम सभी का। आई एम फखीरा और यार मेरी जो जिंदगी यार बड़ी झंड जिंदगी है, क्योंकि यार एक तो नाम मेरा फ़कीर है, मेरे माँ बाप ने मेरा ताजीब नाम रखा है, और ऊपर से मेरी लुक भी, मैं जितना अच्छा कपड़ा पहन लूँ फ़कीर ही देखता हूँ। फटफटी में बैठ के जाता हूँ, औरतें देखती हैं यार। फ़कीर अपने हालात बदलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन एक तो मेरा बॉस है, मुझे हर फालतू काम पकड़ा देता है और वो मुझे करना भी पड़ता है। एक तो यार वैसे मैं ना काम का मास्टर हूँ, लेकिन नाम का एकदम फ़कीर हूँ यार, और लुक का भी। कोई नहीं यार कोई नहीं, बस यार तुम लोग अपनी दुआओं में याद रखना, तुम लोग यार अल्लाह ताला से दुआ करना के फ़कीर अमीर बन जाए। चलो यार चलते, मास्क वाली शॉप पे बॉस ने भेजा था। कोई नहीं यार कर लेंगे उल्टे सीधे काम यार। अस्सलाम वालेकुम बॉस, की हाल है? मेरा मतलब अंकल, की हाल है? मैंने सुना है बड़े A1 मास्क बनाते हो। वालेकुम अस्सलाम सर, आप बिल्कुल A1 जगह पर आयो। जल्दी बताओ कौन सी शक्ल का मास्क बनाना है, और वैसे किसी की शक्ल के अलावा आपको नॉर्मल मास्क भी दिख जाएंगे। ओ नहीं नहीं यार, मुझे किसी की शक्ल का मास्क बनवाना है, सब से शक्ल दिखाए बगैर नहीं बन सकता मास्क। सर बगैर फेस कैम कैसे बनाएंगे, मैं आप भी सोचो सर। अच्छा हाँ चलो ठीक है, तो अब बता दो। सर जितना अच्छा मास्क बनाते हैं ना, उतनी ज़्यादा पेमेंट भी लेते हैं। अभी यार पेमेंट की आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, बस आप मुझे बता दो कब तक मिल जाएगा, मुझे ना ज़रा अर्जेंट चाहिए। सर हम मिनिमम 24 आवर्स में दे देंगे। यार 24 आवर्स से कम नहीं हो सकता? सर जितना अर्जेंट आपको चाहिए हम आपको 24 आवर्स में ही देंगे। तो कैसे पिक्चर लानी है? सर चारों तरफ से एक बंदे के फोटो ले और हमें ला के दे दें, हम आपको 24 आवर्स में बना के दे देंगे। ठीक है मैं आपको ला के दे दूंगा 1-2 घंटे में। चलो साहब फिर ठीक हो गया। जी ठीक है फिर ठीक हो गया। चलो यार बात तो बन गई है, बॉस को कॉल करके बता देता हूँ। चलो यार फाइनली बात तो बन गई है, चलो यार अभी बॉस को कॉल कर देता हूँ। नमकीन यार चुप कर जा, तेरी आवाज़ों से मेरे को घबराहट हो रही है। ऊ लला अच्छा सॉरी मस्कीन है। चलो यार वैसे शोरूम तो आ गया, गाड़ी कहाँ पैक करूँ, अंदर ही कर देता हूँ। चलो अभी यार हाँ चलो यार गाड़ी पैक कर देता हूँ, ये चेक करो मेहरान। चलो यार अंदर चलते, इतने दिनों बाद इस शोरूम को देख रहा हूँ। साहब खैरियत है साहब, इतने अंधेरे में काला चश्मा पहना के घूमे, मतलब पहन के घूम रहे हैं। ओ यार मैं उतार ही देता हूँ, सबको मेरे इस चश्मे से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं सर पहन कर ही रखे, वो पहन कर ही आप मुनासिब लग रहे थे। ओ नहीं नहीं यार बस अब मैंने उतार दिया, क्या मसला है जल्दी बोलो। साहब हमें माइकल भाई लोगों ने बुलाया था। अरे आ गए नमकीन भाई मस्कीन भाई। नमकीन पीछे देख वो आ गए माइकल भाई। अरे अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई। हे वालेकुम अस्सलाम नमकीन भाई मस्कीन भाई। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, हम साथ काम करेंगे, दुनिया में भी साथ आए हैं, सारे काम साथ करते हैं हम लोग, और ये वाला काम भी यकीनन साथ करेंगे। हे हाँ अच्छी बात है, आप काम करें साथ काम करें, बल्कि हमें तो आसानी रहेगी आप लोग साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग आपको पहचानेंगे कैसा, पूरा दिन तो आप लोगों को पहचानने में लग जाएगा कि नमकीन कौन है मस्कीन भाई कौन है, तो इसलिए हम लोग कह रहे थे कि अलग अलग आप लोग काम कर लें। नहीं नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आपको ना हमें ऐसे कबूल करना होगा। अबे क्या मतलब कबूल करें यार, कोई निका विका थोड़ी और अजीब फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं आप लोग भी। फिर ऐसा करें आप लोग ना डिफरेंट कलर की शर्ट्स पहन के आ जाएं। सर क्या बात करता है, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ओ भाई फिर पॉसिबल क्या है, देखें अगर आप लोग को यहाँ सही नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत लोग हैं, मैं उनमें से किसी को अप्रोच कर दूंगा। ओ पता लग जाए कर देने, एक पुराने शोरूम के अंदर रख देने,
और दूसरे प्राणू इसी शोरूम दे वर्कशॉप दे विच रख देने। उपचार तो आने फिर मंजूर है? जी अंकल हमें मंजूर है। चलो फिर आप लोग कल से आ जाइएगा और मैं काम करता हूँ, जब तक चाय ऑर्डर करता हूँ आप लोग चाय पी कर ही जाइएगा। अच्छा तो ये बात है, चलो यार डेटा तो तुम्हारे भाई फ़कीरा ने कलेक्ट कर लिया है, अब यार जल्दी से बॉस को जाके बताना होगा। अबे यार बल्कि जाना क्या, कॉल ही कर लेता हूँ, रुको यार ये मैंने अपना मोबाइल निकाला, देखो यार फ़कीरों जैसा मोबाइल है मेरा भी। चलो बॉस को कॉल करता हूँ। हाँ हेलो बॉस, ओ मैंने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब बताएं आगे क्या करना है। अबे अकल के अंधे फकीर है, उसके लोकेशन भी टैग कर, आधा काम करके तक खुश हो रहा है फकीर कहीं का। ओ यार बॉस जा रहे हो यार, ताने क्यों मार रहे हो आप, फकीर हो तो यार कुछ भी कह दोगे। अच्छा बस बस अब मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर, जल्दी जाके अपना काम कर वरना नौकरी से निकाल दूंगा तेरे को। अच्छा सॉरी सॉरी बॉस मैं कर रहा हूँ काम। ओके फिर अल्लाह हाफिज। यार मस्कीन हम लोग एक दूसरे के बिना अलग अलग कैसे काम करेंगे है। ओ नमकीन यार एक ही शोरूम में ही तो काम कर रहे हैं, तू भी पागलों वाली बातें करता है। चल एक काम कर, हम लोग जा रहे हैं ना तो रास्ते में ना थोड़े नमकीन बिस्किट भी ले लेंगे, किसी बेकरी की तरफ लेनी। ओ यार मस्कीन मुझे नमकीन बिस्किट बिल्कुल नहीं पसंद, तेरे को पसंद है तो तू खा। अच्छा सॉरी यार, एक तो तेरी वजह से मेरे को भी खाने पड़ते हैं नमकीन बिस्किट है। मैं भी तो नाश्ते में तेरी पसंदीदा ब्राउन ब्रेड खाता हूँ, तू वो भी ले लेना। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लेना पसंद करेंगे आप? क्या नमकीन और मीठे बिस्किट अलग अलग लगा दो जल्दी से। जी ओके सर अभी लगाता हूँ। ओ साहब। ओ यार दो मिनट रुकी, और एक काम कर 6 अंडे भी पैक कर दे और एक चिप्स का पैकेट भी दे दी। बात तो सुनिए। और एक काम करो थोड़े फ्रूट्स भी पैक कर दो है। हाँ भाई अब बोल की गल है। सर क्या हैंडसम है आप भाई साहब, मजा आ गया देख के भाई साहब, गजब भाई आप इतने ओपी हैं यार एकदम मस्त। आपका हेयर स्टाइल चेक करूं? हैं वाकई, बस यार कभी घुरूर नहीं किया। साहब आपकी क्या लुक है, मेरी तो शक्ल ही फकीरों जैसी है, क्या मैं आपकी पिक्चर लेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दिखने में ही फकीर हूँ, मुझे तो ती फकीरों जैसी शक्ल मिली है आपको, ती हैंडसम मिली है सर, एक फ़ोटो बस एक फ़ोटो। ओ हाँ हाँ यार तो मेरी फ़ोटो ले सकता है यार, अब हाँ हाँ ले 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 अच्छे से ले ली। उए हुए सर आपकी तो फोटो एकदम आईफोन से खिंचनी चाहिए यार, मेरा ऐसा फकीरों जैसा फोन है उसमें तो आपकी इतनी ओपी लुक भी नहीं आ रही। सर थोड़ा सा मुड़िए गए आप। हाँ 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 बिल्कुल ना, ये लो पीछे से भी ले लो फोटो है। तू अपना पैक कर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं सर कर रहा हूँ। छेदी करी मेरा मुँह क्या देख रहा है? सर थोड़ा राइट एंगल में घूम जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ से तू मेरी फोटो ले ले, मेरे को तो है फोटो शूट का शौक, हर एंगल से ले ले, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया सर, असल में मेरी जो शक्ल है, मेरा नाम तो फकीर है, शक्ल भी मेरी फकीरों जैसी है, और तो मैंने सोचा कि मैं आपकी फ़ोटो लेके ना तो इंस्टाग्राम स्टोरी में डालूंगा और अपने दोस्तों को चढ़ाऊंगा, देखो मैं कितना हैंडसम। हाँ बहुत चढ़ाना अपने दोस्तों को, कितना हैंडसम है तू है। जी जी सर मैं इतना चढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों ने सोची नहीं होगी। हाँ हाँ मस्त चढ़ाना अपने दोस्तों को है। चल ठीक है और खींच ले। नहीं नहीं सर बहुत शुक्रिया, मैंने खींच ली आपकी बहुत सारी पिक्चर्स। अबे ये यहाँ क्या कर रहे हैं बे, अबे एकदम से यहाँ कैसे आ गया, दुकान के अंदर ही तो था वो, पता नहीं लगता इसका जुड़वा भाई है। अबे स्टार्ट जा। हाँ अबे जिमी मेरे ख्याल से यही है यार गाड़ियाँ, ये यार एक काम करता हूँ मैं यहाँ पार्क कर देता हूँ और वो सामने खड़े हुए एक अंकल है उनसे पूछ लेता हूँ। यार वैसे गाड़ियाँ एकदम बवाल हैं साहब, ये गाड़ियाँ पीडीएम शोरूम से ऑर्डर हुई हैं? हाँ यार ये पीडीएम शोरूम से ऑर्डर हुई है। अच्छा मैं पीडीएम शोरूम से ही आया हूँ। ओके सर फिर आप यहाँ साइन कर दें और फिर आप किसी ट्रक का इंतजाम कर लें, मैं गाड़ियाँ लोड कर दूँगा। ओके ठीक हो गया।
यार चाचू, आपने उसी ट्रक वाले को क्यों ले लिया यार? आपको याद नहीं है पिछली दफा उसने कितना पकाया था? इतना कि डाडब्बू ने उसको सही पेमेंट की थी। अबे जिमी, उसके अलावा तेरे को और कोई दिख रहा था? फिर तू ही चला ले ट्रक, एक काम करो अगर तेरे को प्रॉब्लम हो रही है उससे। यार वैसे लास्ट टाइम भी ना अपने उस ट्रक वाले की खूब हिमायत की थी, मैं और डाडब्बू जो थे वो गुस्सा कर रहे थे और आप उसकी साइड लिए जा रहे थे। लगता है कुछ ज्यादा इम्प्रेशन है आप उस ट्रक वाले से। अबे जिमी चुप कर, पहले तो ऐसी हरकतें सिर्फ समी के साथ करता था, तू सबके साथ कर रहा है। सही कहते हैं भाई, अब्बू ने तुम्हें सही बिगाड़ के रखा हुआ है। चलो भाई, जब कुछ नहीं बचा तो सारा इल्जाम अपने डाडब्बू पे लगा दिया, ये सही है। और मैंने सबके साथ कहाँ बातें की, सिर्फ फ्रैंकलिन भाई के साथ ही तो की है, बड़ा बुरा लग रहा है आपको। हाँ तो तुझसे बड़े है ना, तमीज से बात किया करो। हाँ हाँ चाचू, सब समझ आ रहा है मुझे किन चक्करों में आप। जिमी बहुत बुरी बात है जो तू सोच रहे ना। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप इसलिए सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि आपको गाड़ी चाहिए टायबू से, आप पता नहीं किन किन सोचों में। जिमी के बच्चे, जिमी तो देख ट्रक वाला पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मैं सारा हाजिर ला लूँ अंदर। चलो शुक्र है यार टाइम पे पहुँच गया हूँ। आज आप लोग बाहर, शिपमेंट आ गई है, देखे मैंने कितना अच्छा काम किया है। अरे चाचू यार, नंबर बनाना बंद करें, ट्रक में से गाड़ियाँ गायब हैं। क्या गाड़ियाँ गायब हैं?